से क्वेश्चन किया कि जादू का कोई तोड़ है या नहीं है। जादू का हकीकी तोड़ तो इस्लाम ही में है, और वो जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत तैयबा नाजिल हुई है आखिरी, कुलाज़ु बिरब्बिल फलक और कुलाज़ु बिरब्बिन नास, वो जादू के तोड़ के लिए अक्सीर हैं। लेकिन उसको पढ़ने का तरीका है उसकी कसरत करें, अगर उनकी भी कसरत नहीं करते तो बहरहाल कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयात हैं जिनमें जादू का जिक्र आया है, वो तमाम की तमाम आयतों को इंसान अगर मिला के बकसरत पढ़े तो उससे भी जादू खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। फिर ये है कि या हक या ममीतू, ये दो अल्लाह तबारक व तआला के असमा हैं, अगर इनको रोज़ाना 1000 दफ़ा पढ़ा जाए तो भी इंसान के ऊपर से जादू ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को याद करता है, हक कहता है, तो हक की तजल्ली उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, और जब हक की तजल्ली मुतवज्जे होती है तो बंदा जो हक में आ जाता है, और अल्लाह फरमाता है जा अल हक व जहाकल बातिल, हक आया बातिल मिट गया और जादू बातिल है, तो जब हक की तजल्ली आएगी तो जादू मिट जाएगा माशाल्लाह। और या मुमीतू का भी यही तासीर है कि वो शयातीन वगैरह को मारता है। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला के असमा है, तो इनकी कसरत करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। माशाल्लाह।